हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई, और आज आपके वैसे तो मल्टीपल बाइक्स है, बट मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके सबके वीडियोस। पहले देख लो यहां की लोकेशन कि यहां पर क्या है। सबसे पहले दिखाऊं आपको हनुमान जी की मूर्ति, जो कि देखने मिलती है आपको फ्रंट पर, हमारे शॉप के जस्ट अपोजिट है, जो कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है। ये मिलती है और हनुमान जी की मूर्ति इधर, और एक मिलेगी हनुमान जी की मूर्ति हमारी शॉप के बोर्ड पर। ये जरूर देखने, बाकी कुछ देखे ना देखे, देख सकते हैं इसके अंदर XMR के अंदर प्रॉपर फिटिंग वाला क्रैश गार्ड होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं फिटमेंट कैसी होती है। ये देखिए, ये इसका क्लैंप है, इधर ये फिट हो रहा है आपका। एक फिटिंग आपकी इधर होगी और एक फिटिंग आपकी होगी इस तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी आपको। और सेम जैसे इस तरीके से यहाँ फिट होगा, उसी तरीके से फिर सेम फिट होगा आपका इस तरफ। इधर अभी खोला नहीं है, अभी फेयरिंग इसकी बंद है, बट जब करते रहेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि वहाँ पर इसकी कैसी फिटिंग होने वाली है। लुक चेकआउट कर लो, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रॉपर का मतलब समझ नहीं आता प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि आपको कोई जुगाड़ नहीं करना होता, सिंपली इजी टू फिटेड है। फेयरिंग खोलिए, फेयरिंग करके लगा दीजिए, और क्रैश गार्ड आई थिंक मेरे हिसाब से तो किसी के पास है नहीं। हमने इसका बनवाया है इसका, और अभी इसमें आपको दिखेगा पीछे टॉप रैक और सैडल शेप प्रॉपर फिटिंग वाला, वो भी इसके अंदर आपको दिखने वाला है। तो वीडियो बने रहना। ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो ये बोल्ड लगता है ना, ये इसी का प्रॉपर फिटमेंट थी जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले। अब जब इसकी बॉडी फिट हो गई है तो इसके अंदर नट कसने के बाद पीछे से लग रहा है इसका नट, देखो ये देखो, समझिए आप। इसमें भी कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपली इजी टू फिटेड है। आप अपने घर पर भी ना किसी भी मैकेनिक से इजीली फिट करा सकते हो, और फिटमेंट मैं आपको पूरी दिखा चुका हूँ। इससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। जब भी आप गाड़ी खुलवाएंगे तो बस खोलने वाला प्रोफेशनल होना चाहिए, खोल के बंद करने वाला, बाकी तो सब कुछ फिटमेंट इसकी 0 to 0 फिटमेंट है। लुक चेकआउट कर लो फ्रंट से, इधर की फिट होने का, फिर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट साइड की कि नेक्स्ट साइड की भी कैसी फिटमेंट है, और सेम फिटमेंट उधर की भी होने वाली है। तो पहले करते हैं फिट इधर का, फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ का फिटमेंट कैसे हो रही है, और उसके बाद फिर दिखाएंगे इसके टॉप रैक चढ़ने से पूरा कम्प्लीट वीडियो। XMR का क्रैश गार्ड देखा मैंने आपको, दिखाया था उस वाली बाइक है जिसकी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उसको दिखाऊंगा बाद में। पहले थोड़ा सा इसका भी चेकआउट कर लो, इसमें भी वही सेम काम हो रहा है क्रैश गार्ड का, जो कि प्रॉपर फिटिंग वाला है। ये इसका इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका। अब आपको आता हूँ बैक साइड के अंदर, आइए, जो कि है मेन, जिसकी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो स्टार्टिंग में कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरा फिटमेंट हो चुकी है पूरी क्रैश गार्ड की, जो मैंने दिखाया था कि आपकी 0 to 0 फिटमेंट है। लाइक आप देख सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट फिटिंग आपकी ये होगी, सेकंड आपकी ये होगी, और थर्ड आपकी होगी अंदर, जो कि जब मैंने ओपन हुई भी थी तब मैंने आपको दिखाया था, चेकआउट किया था कि किस तरीके से फिट होने वाला था। तो इसकी आप लुक चेकआउट कर लो कैसी आने वाली है आपकी, जब कोई भी XMR होगी या कलर कोई भी उसके आपके XMR का, बट लुक आपकी सेम आएगी उसके अंदर, जो इसके अंदर है। इसमें ड्यूल स्लाइडर मिलते हैं आपको, जब भी आपकी गाड़ी गिरती है तो आपका पूरा फेयरिंग, पूरा टैंक और आपके पूरे लैग्स, ये होते हैं फुली तरीके से प्रोडक्ट, फुली प्रोडक्शन चीज़ें लगा दी गई है। ड्यूल स्लाइडर हैं, गिरने के बाद समझ लो आपकी बाइक तो पूरी सेफ हो जाती है। और फिर दिखाऊंगा बैक साइड के, देख सकते हैं ये है इसका बैक साइड के अंदर, जो कि प्रॉपर फिटिंग वाला आपको मिल जाता है इसके अंदर। सैडल शे विद फुट रेस्ट, एंड आपको मिलता है साथ में टॉप रैक, वो भी XMR का जेन्युइन फिटिंग वाला, कोई जुगाड़ नहीं, कोई ट्रेशन। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता भी ना, तो मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, जो मैंने दिखाया था आपको क्रैश गार्ड और टॉप रैक, मैंने कहा सैडल शे जल्दी आने वाला है, तो ये इसके अंदर आ चुका है। प्रॉपर फिटमेंट देख सकते हैं, और ये आपके होते हैं डिटैचेबल, ये जब भी रिमूव कर रहा हो आपका, एक ये रहा स्क्रू, एक ये रहा स्क्रू, ये आप जब चाहो इसे रिमूव करके रख सकते हो। आप इसके अंदर कुछ भी पैनियर्स वगैरह लगा के आप ले जा सकते हो किसी भी अपनी राइड पर। लुक चेकआउट कर लो कितनी बल्की हो गई है, और टूरिंग मोड के रेडी है, क्योंकि भैया नेक्स्ट मंथ जाएंगे कहीं भी टूर पर, जहाँ भी जाएंगे उसके बाद निकलेंगे, इसमें कुछ भी ना कुछ सामान रखेंगे या फिर टॉप बॉक्स वगैरह पैनियर कुछ भी इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं अपनी बाइक पर। और इसके बाद आपको दूसरी बाइक की दिखाऊंगा अलग से, XMR जो के अंदर हो, इसके मैंने भी आपको थोड़ा बहुत दिखाया था कि उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। और इससे मिलवाता हूँ इसके ऑनर से इस बाइक के, कि उनको काम कैसा लगा। आइए, तो हेलो सर, बढ़िया। तो पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए। भाई जी, मेरा नाम है साहिल भारद्वाज, और मैं आया हूँ बिलासपुर से, IMT मानेसर के पास। जो कैसा लगा आपको काम? भाई जी, पहले तो टेंशन में थे करिश्मा को लेके, कि भाई कहाँ तो क्रैश गार्ड मिलेगा, कहाँ सैडल के मिलेंगे, लेकिन यहाँ घूमे करोल बाग में खड़े होके आपकी वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पे, उसके बाद आपके पास आए हैं। तो जो सोचा नहीं था ना, वो मिला है करिश्मा में हमें आपके पास आके। फुल सेटिस्फाइड हैं, जैन वन सारी चीज़ें हैं,
कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जुगाड़ किया है, जो जहाँ पे फिटिंग होनी थी प्रॉपर फिटिंग हुई है और मजा आया। काम पूरा आपके सामने, तो आपने देखा किस तरीके से, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं पत्ती पत्ती लगा के कुछ भी नहीं, सारा पूरा खोल के बाइक को अच्छे से बोल्टिंग की गई है वहाँ पे और बढ़िया टच है बाइक का। मैं आपको ना एक बार सैडल स्टिकर पर दोबारा चेकअप कराता हूँ, देखो मैं शायद आपको दिखाना भूल गया, देखिए सही कह रहे हैं, देखो देखो प्रॉपर फिटमेंट, इसे कहते हैं प्रॉपर फिटमेंट, ये देखो इधर इसे कहते हैं प्रॉपर फिटमेंट, और आपका जो ये है ना टॉप रैक इसकी प्रॉपर फिटमेंट, जैसे कि भैया बता रहे हैं वो सेम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ना ये इनका हैंड टू हैंड सैडल स्टे काम, तो इनका हैंड टू हैंड किया गया, टॉप रैक तो बन चुका था बट सैडल स्टे नहीं था, तो ये भी इनका बना है आज ही। तो ओवरऑल लुक चेकआउट कर ही ली, भैया का रिव्यू आपने देख लिया, भैया कोई और आना चाहे ऑल इंडिया से तो क्या रिकमेंडेशन रहेगा आपका? बिल्कुल भाई, हम तो यही बोलेंगे करोल बाग में आओ, राजू भाई से मिलो और अपनी मॉडिफिकेशन एक अलग लेवल पे करा के ले जाओ, टूर ट्रैवलिंग जो भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आनी है बाइक में, मजे आएंगे। और मेरे ख्याल से इंडिया फर्स्ट होगी जो इतना इसके अंदर क्रैश गार्ड टॉप रैक सैडल स्टे, इंडिया फर्स्ट इसमें ही नहीं रहेगी, इंडिया फर्स्ट लद्दाख में भी रहेंगे, हम लद्दाख लेके जाएंगे इसको इंडिया फर्स्ट जुलाई में इसको लद्दाख भी लेके जा रहे हो। तो अगर आपको भी किसी अपनी ऐसी बाइक का, कोई सी भी आपकी बाइक हो फेयरिंग वाली हो नेक्ड हो किसी के अंदर भी कुछ भी करवाना हो लगवाना हो टॉप रैक क्रैश गार्ड सैडल स्टे जिसका ना बना हो उसका भी बनाया था आपका अपना राजू भाई, तो आपको ध्यान देना, शॉप का बोर्ड दिखा दो एक बार दोबारा से, ये हमारी शॉप का बोर्ड है, जब भी आप बोर्ड पर ध्यान दें और एक मूर्ति लगी हुई हनुमान जी की उस पर जरूर ध्यान दे दें, क्योंकि लोग ना कुछ अलग लेवल पर चले जाते हैं, तो मूर्ति ना हमारी शॉप पर मिलेगी आपको, जो कि मिलेगी आपको राजू भाई की शॉप पर, एक मिलती है आपको जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट और दूसरी मिलेगी हमारी शॉप पर, बाकी राजू भाई आपको हमेशा मिलेगी, तो इस चीज़ जरूर ध्यान देना। करोलबाग के अंदर अपनी शॉप है, जब भी आप आओगे तो वैसे यूट्यूब पर सर्च मार लेना, कोई सी बाइक को आपकी नाम लिख के मोटिवेशन लिख देना, नीचे आ ही जाएगा नीचे, क्यों जी भैया बिल्कुल, तो टेंशन लेने की बात नहीं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो लोकेशन मंगा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी करना हो कर सकते हो, आ सकते हो इससे अपने राजू भाई के पास। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना राजू भाई एसकेडी को, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, गुड बाय।